अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक होंगे। बहुत दिनों से ये पार्सल मेरा ड्यू है और ये आया है मेरा कोरियन स्किन केयर का। जब से इतनी हाइप चली थी ना, तब से दिल था कि मंगवाना है, तो आज मैंने मंगवा लिया है। मंगवा तो नहीं लिया, आज लाइक अनबॉक्स कर रही हूँ। आए हुए इसको ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है। एक चीज़, दिस इज़ अबाउट इंस्टाग्राम के, कोई चीज़ आप सोच रहे हो ना, ऑल द सोशल मीडिया, उसकी इतनी एड्स नज़र आती हैं एंड द मोमेंट आप शायद बाय कर लेते हो ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। आई डोंट नो, आई हैव नोटिस दिस थिंग अ लॉट। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आप लोगों ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। ओके ना, आहिस्ता आहिस्ता मैं निकालती हूँ एंड देन आई विल शो यू गाइस ऑल द थिंग्स दैट आई ऑर्डर्ड। बहुत से ब्रांड्स के मुझे नाम की प्रोनाउंसिएशन अभी नहीं पता, तो मैं फिर आपको दिखाती जाऊँगी एंड इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करूँगी सारा मेरा जो इसका एक्सपीरियंस रहेगा। ये पूरे पैकिंग है सारी, दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स। आई थिंक ये जितने भी बड़े हो जाओ ना, ये जो बबल्स पॉप करने का मज़ा आता है ना। ओके, सो लेट मी गेट ऑल द थिंग्स आउट फर्स्ट। जिन चीज़ों का मुझे बहुत लाइक प्रॉपरली पता था, उसमें तो एक लेडीज आई गॉट दिस पिंपल पैचेस, मैं बहुत यूज़ करती हूँ, आई लव इट। कोई पिंपल निकले आपकी स्किन पे तो आप लाइक ये एक बिल्कुल स्टिकर टाइप हो रहा है, आई थिंक मैंने पहले भी दिखाया, मैं जस्ट पुट इट ऑन एंड वो मेकअप के नीचे नज़र भी नहीं आता थे। नेक्स्ट टाइम मैंने यूज़ इट, आई एम गोना शो इट टू यू। ओके, मैं इसको भी इट्स कट इट बिकॉज इसके आगे दिस इज दिस जिप लॉग। ये देखें, ये पिंपल पैचेस, सो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है और नज़र भी नहीं आता फिर पिंपल, सो दिस इज़ लाइक रियली गुड। ये था, देन दिस इज दिस लिप बाम, ये है, देन अच्छा ओके दे एडवाइज के जी जैन इधर हूँ, थोड़ा सा टाइम को अगर बता दूँ, रात के 1 बज रहा है एंड इस लड़की ने तो ना डाला आई वॉन्ट टू हैव नूडल्स, तो मेरा था चलो आज साथ ये भी कर लेती हूँ। अच्छा, आई हैव ऑर्डर्ड, दो मैंने मंगवाए थे फेस वॉशेज, एक ऑयल बेस्ड विच इज़ दिस वन डबल क्लेंजिंग का जो आज चला हुआ है, और एक दूसरा फोमिंग सोप। सो ये दोनों इनके फेमस ब्रांड्स हैं इन कोरिया, तो ये दो वो हैं। देन टोनर्स बहुत, एक तो ये जो स्नेल म्यूसिन जो एक हुआ है, देन आई ऑर्डर्ड एक ये, फैमिली बी केयरफुल, देन आई ऑर्डर्ड दिस टोनर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ भी सुनी, रिव्यूज़ भी पढ़े, लाइक रियली गुड वंस। देन बिकॉज आई हैव दिस समटाइम्स आई गेट दिस एक्ने, मेरी एक्टिव एक्ने नहीं है बट जैसे एक महीने में निकलना होता है एंड लाइक वन जब फिनिश तो दूसरा आ जाता है, तो आई गॉट दिस डार्क स्पॉट ट्रीटमेंट दिस वन। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई गॉट द ब्यूटी ऑफ जोस, आई डोंट नो हाउ टू प्रनाउंस इट बट आई थिंक यू सीन इट लॉट सोशल मीडिया पर, आई ऑर्डर देयर सन ब्लॉक। दिस इज आई नो दिस इज़ माई फॉल्ट, मैं रात को लेट सोने की वजह से डार्क सर्कल्स, बट दिस हैड रियली गुड रिव्यूज़ अबाउट नाइट क्रीम फॉर डार्क सर्कल्स। एंड देन लास्ट में आई गॉट दिस लिप बाम, सो ये है। तो ये चीज़ें मैंने मंगवाई हैं, मैं इंशाल्लाह आपको इसके रिव्यूज़ भी दूँगी। अगली सुबह हो गई थी और उसके बाद लाउंज जितना भी साफ़ कर लो, सबसे पहले सुबह ज़ैनो ने अपने सारे टॉयज़ डंप करने होते हैं, द लाउंज उसका अपना रूम भी है बट वहाँ से उठा के भी ये लाउंज में लेके आती है, स्पेशली द ब्लॉक्स। बट इनिशियली जब स्टार्ट था तब मैं थोड़ा सा हो जाती थी कि नहीं क्लीन अप करूँ, बट अब आई लेट हर बी, लाइक आई लेट हर प्ले, बिकॉज अगर वो ये नहीं करती देन द अदर थिंग इज़ या तो वो फ़ोन पे कार्टून्स देखेगी, टीवी पे कार्टून्स देखेगी, तो जस्ट टू कट डाउन ऑन हर स्क्रीन टाइम आई लेट हर डू दिस एज़ वेल। और दूसरा एक ये चीज़ अभी आसानी हुई हुई है कि हेल्पर है तो उसको थोड़ी देर बाद बुला के कहती हूँ कि क्लीन अप कर दे, बट ये जो रूटीन है, ये दिन में जो पैटर्न है, ये दिन में 10 से 15 दफ़ा फॉलो होता है।
साथ में अपना नाश्ता बना रही थी. आई वॉज़ मेकिंग एवोकाडो चीज़ टोस्ट, और हर एक का बनाने का अंदाज़ डिफरेंट होता होगा. आई ट्राइड दिस वन, मैंने पहले एक दफ़ा मैश करके भी बनाए थे बट मुझे इतना कोई अच्छे नहीं लगे. सो मैंने ये वाला ट्राई किया और ऑनेस्टली मुझे इतने मज़े के लगे हैं. अच्छा, एवोकाडोज जो मेरे थे वो बिल्कुल भी राइप नहीं थे. लाइक राइप अक्सर आपने देखा होगा कि लोग उसको स्पून आउट कर लेते हैं फ्रॉम द पील, बट मेरा ऐसा नहीं था. मुझे प्रॉपर उसको पील ऑफ करना पड़ा था विद द पीलर, तो ये बड़ा क्रंची क्रंची सा था अभी. तो जब मैंने इसको लाइक इसके ऊपर सिर्फ मैंने लेमन जूस डाला है, इसके अलावा ग्रीन चिलीज आपके सामने काटी है वो, एंड बाकी सिर्फ इस पर चीज़ डाल दूँगी. अच्छा, आई पर्सनली डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ ओनली एवोकाडोज. मुझे बड़ा ब्लैंड सा टेस्ट लगता है. सो चिली से और लेमन के जो जूस होता है उससे थोड़ा सा इसका टेस्ट मज़े का हो जाता है. फिर मैंने चीज़ डाली है और मैंने उसको एयर फ्रायर में रख दिया है 5 मिनट्स के लिए एट लाइक 175. पाँच मिनट लगते हैं ग्रिल होने में और इतने मज़े का आप देख रहे होंगे. इसके ऊपर सिर्फ मैं हॉट सॉस साथ डालती हूँ, और इसके अलावा सम पीपल स्प्रिंकल दोज रेड चिली फ्लेक्स एज वेल, बट मैं नहीं करती बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप इट बहुत ज़्यादा उस तरह से स्पाइसी भी नहीं. सो बस मैं साथ हॉट सॉस डाल लेती हूँ और साथ चाय, और इतना मुझे मज़ा आ रहा था. साथ ही मैं जैनो का नाश्ता भी बना रही थी, तो हम दोनों फिर बैठ के हमने नाश्ता किया सबसे पहले. अच्छा, एक और लाइफ की अपडेट जो मैंने आप लोगों को देनी थी, दैट वाज कि मैनी पीपल मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, और कमेंट्स में भी पूछा था कि इफ़ आई एम स्टिल वर्किंग और नॉट. तो जस्ट टू आंसर देयर क्यूरियोसिटी, नो आई डोंट वर्क एनी मोर, बिकॉज थोड़ा सा ये था कि ड्यू टू फ्यू रीजंस आई रिज़ाइंड. और एक जो बहुत बड़ा मुझे वजह लगती थी वो ये थी कि ज़ैनब नीडेड माई टाइम मोर देन आई नीडेड टू वर्क. ऑब्वियसली एक बड़ी सरील सी फीलिंग होती है, एक बड़ी अकम्पलिशमेंट वाली फीलिंग होती है व्हेन एट द एंड ऑफ द मंथ आपको एक सर्टेन अमाउंट इज़ क्रेडिटेड टू योर बैंक. तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ का भी बहुत शुक्र है. लाइक 6 मंथ्स के लिए आई वर्क एंड आई गेंड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एक बहुत अच्छी लर्निंग हुई. बट फॉर नाउ आई फेल्ट कि माई होम एंड माई डॉटर नीडेड बी मोर, बिकॉज वो बहुत इस चीज़ को फील कर रही थी. सो आफ्टर डिस्कसिंग इट विद उस्मान, सो आई डिसाइडेड कि लेट्स जस्ट लीव दिस फॉर नाउ. और दूसरा ये था कि इधर मैं कारपेट उठाने लगी थी, मैं वैक्यूम कर रही थी बिकॉज आई वॉज गोइंग टू डाइपर ट्रेन ज़ैनब. सो विश मी लक. सो अब कारपेट के बगैर बैठी हुई मैं भी, इसका नीचे बैठी हुई, इसको सोफ़ा पे बैठने नहीं दे रही. और लेट्स सी, वी ऑलरेडी हैड 2 एक्सीडेंट्स. एक तो जब मैं कारपेट ड्रेस पैक कर रही थी वो, और खैर एनीवेज होपफुली शी लर्न. मैंने जैसे पहले बताया था उस्मान रात गए हुए थे, सो आई एम मेकिंग लज़ानिया. मैंने लज़ानिया स्टिक्स बॉइल करके रख दिए हैं. इधर मैंने उसका चिकन भी कर लिया है एंड उसकी जो सॉस है वो भी बना ली है. और सॉस में मेरे से नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो आई हैव ऑलवेज सीन माय अम्मा डूइंग दिस कि नमक ज़्यादा हो जाए, तो ये थोड़े से आटे की छोटे से ऐसे पेड़े बना के वो बीच में डाल दिए. सो उससे जो एक्सेसिव नमक होता है ना वो लाइक कम हो जाता है. एंड अब मैं बनाने लगी बिरयानी. आई ऑलवेज यूज़ मसाले, सो आई गॉट दिस शान का बिरयानी मसाला, तो ये यूज़ करूँगी. और इसके अलावा बस अच्छा, मेरी जैसे आदत है, मेरा दिल होता है कि मैं ना ताज़ा ताज़ा गरम गरम बनाऊँ जब आने वाले हूँ. मैम मे बी केयरफुल. सो अभी उस्मान को आने में बस 2-2.5 घंटे हैं, तो मैं इसीलिए साथ साथ कर रही हूँ. और जब लाइक मसाला बन जाएगा तो फिर मैं चावल दम पे रख दूँगी. अच्छा, हम लोग अक्सर इस चीज़ पे बात करते हैं कि जो औरत का रोल होता है घर में वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता इतना ज़्यादा, या वो घर में काम जो करती हैं उनको किया जाता है कि क्या काम ही करती हैं. बट एट द सेम टाइम आई वुड से लाइक आप में से जो जो देख रहा है, वुड वांट कि फॉर अ मोमेंट आप लोग अपने पार्टनर का भी थोड़ा सा इस चीज़ में ज़रूर अप्रिशिएट किया करें. बिकॉज व्हेन आई वेंट आउट टू वर्क, ऑब्वियसली मैंने पहले भी किया हुआ है, बट अभी जब मैं काम करने गई हूँ तो अब जैसे अगर मैंने छोड़ा है, आई हैड दिस कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि अच्छा मैंने अगर छोड़ दिया तो दैट्स फाइन, आई हैड दिस ऑप्शन. बट जो हमारे हस्बैंड्स होते हैं, दे डू नॉट हैव दिस ऑप्शन. वाई? बिकॉज उनके सर पे एक जिम्मेदारी होती है बीवी की, बच्चों की, इसके अलावा अपने माँ बाप की, एनी एवरी थिंग दैट देव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर. तो दे डू नॉट हैव दिस फ्रीडम कि अगर कोई चीज़ उनको अच्छी बुरी लग रही है तो दे कैन जस्ट लाइक रिज़ाइन. एंड ऑल दो मैं उसके इससे पहले भी आई यूज़ टू बी वेरी अप्रिशिएटिव, बट जब ये चीज़ हुई तो आई वॉज़ रियली लाइक आई रियली फेल्ट कि हम लोग शायद हस्बैंड्स को अप्रिशिएट करने में थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं, या हम लोग ये समझते हैं कि ज़रूरत नहीं है. एनी वेज, इधर मैं अपने बिरयानी का दम खोल रही थी. आई एम नॉट
एनी एक्सपर्ट, बट कभी कभी कोशिश कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी अच्छी बन गई थी। खैर ये था आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह।